कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पे गाइस क्या करने वाले, टोटली कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालने वाले हम यहां पे। एंड जो भी हमारे ट्रेड विनिंग होंगे या लूज होंगे मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको उससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। ठीक है, करंट टाइम में गाइस लाइव मार्केट ओपन नहीं है, सब बहुत ही लो परसेंटेज चला हुआ है। एंड जो भी मेरी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर पढ़ाने का तरीका होता है, वो लाइव मार्केट और ओटीसी मार्केट दोनों पर काम करता है। तो मेक श्योर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करना ताकि आप ओटीसी मार्केट के एल्गोरिदम को भी पकड़ पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो मैंने लगा दिया फर्स्ट हमारा यहाँ पे ट्रेड। देखो तो ट्रेड लगाने का रीजन मुझे क्विक दिख गया था। सबसे पहले नीचे एक मॉर्निंग स्टार बन रहा था, उसका रिट्रेसमेंट आने में टाइम है और कैंडल ने यहाँ पे जंप अप लगाया। मीन क्या, 3 कैंडल से मिलकर मॉर्निंग स्टार बनता है, एक रेड कैंडल, एक ये कैंडल और ये कैंडल। तो इसने जंप अप लगा दिया था, तो मार्केट को फॉर श्योर नेक्स्ट कैंडल सेलर रहना चाहिए। साथ ही साथ एक एग्जॉशन टाइप का कैंडल है एंड एक लेवल पर आया है तो भी सेलर रहना चाहिए। साथ ही साथ मॉर्निंग स्टार है तो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ये कंफर्मेशन यहाँ थी। और गाइस देखो मैंने पहले कैपिटल इतना बहुत छोटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखा ताकि हमारा 3-4 स्टेप भी लॉस हो जाएगा ना तो उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट के अगर इस पोजीशन पर आप देखोगे तो यहाँ पे भी रिजेक्शन है, करीबन यहाँ पे भी 2 SNR की तरह काम किया हुआ है। ठीक है, और मार्केट में इस जगह भी सपोर्ट बना हुआ है और इस जगह भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो काफी अच्छा लेवल था। ठीक है, तो अगर मार्केट इस लेवल पर रिस्पेक्ट करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम 1 स्टेप मार्ट एंगल के लिए जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा एक लॉस हो चुका, तो हम यहाँ पे गाइस डबल अमाउंट के साथ डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं बिकॉज हमारा एक लॉस हो चुका था और मैक्सिमम चांस है कि ये ट्रेड हमारा विन कर जाएगा। क्यों विन कर जाएगा? बिकॉज मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट तो किया था बट उस लेवल पे एक्ट नहीं कर पाया। तो मैक्सिमम चांस क्या होता कि मार्केट बाइनरी में ना आपके डायरेक्शन में जाएगी बट 1-2 कैंडल एरर करने के बाद जाएगी। जैसा भी आप सोचोगे, जैसा भी आप करोगे मार्केट में वैसा होगा बट 1-2 कैंडल एरर देने के बाद वो पॉसिबल होगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें 1 कैंडल का एरर दिख चुका है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड की एंट्री लगा दी है। मैक्सिमम चांस है कि ये कैंडल यहाँ पे सेलर्स आने चाहिए। ठीक है, तो वेट करके देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो कैंडल का मूवमेंट है उसमें इंडिसिजिबल है ना, बायर्स है ना सेलर्स है, जरूरी नहीं कि ये सेलर से ही बनेगा अभी फिलहाल। ओके, जंप अप यहाँ पे लगा हुआ है और जंप जो लगा हुआ है एक बायर्स के लेवल पर लगा है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की है, देख लेते हैं। और अब एंट्री पॉइंट भी विन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है गाइज, लास्ट सेकंड में देखो हमारा विन हो गया। ठीक है, बिकॉज क्या ना गाइज, अगर आप पे प्रॉपर नॉलेज है तो आप लास्ट सेकंड में भी विन करके जाओगे। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लेवल लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक लेवल लगा देता हूँ, कहाँ पे, करीबन इस जगह पे, इस पोजीशन में, सॉरी इस पोजीशन पे, तो ये लेवल यहाँ भी एक्ट किया हुआ था, यहाँ भी एक्ट किया, यहाँ भी, यहाँ भी, साथ ही साथ यहाँ भी एक्ट किया हुआ, यहाँ भी एक्ट किया हुआ, यहाँ भी किया हुआ, यहाँ भी, तो हर जगह किया हुआ, मैक्सिमम जगह इसका की लेवल पे किया है, यहाँ भी किया, तो बहुत अच्छा लेवल था। जब बहुत अच्छा लेवल पे मार्केट एक्ट नहीं करता है तो वन स्टेप पर डेफिनेटली करेगा। और अगर आप दूसरे वाले कैंडल के भी बॉडी पे जाके रख दोगे तो वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे SNR की तरह काम कर रहा है, देख सकते हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, इसीलिए मैंने 1 स्टेप मार्ट एंगल भी लिया था। देखो 1 स्टेप मार्ट एंगल भी ले रहे हो ना तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई लॉस हो गया तो हम 1 स्टेप मार्ट एंगल लगा देंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पहला विन हो चुका है, अब हम नेक्स्ट ट्रेड की ओर चलेंगे। ट्राई करता हूँ टोटली 5 ट्रेड विन करने का, फिर हम मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो वेट करके देखते हैं कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किस टाइप की मिल रही है। इस सारे पेयर्स में तो मुझे अपॉर्चुनिटी कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं काम करता हूँ दूसरा पेयर ओपन करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा साइकोलॉजी समझते हैं। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके वीक्स के नीचे क्लोज देती है तो अगली कैंडल मैं सेल के लिए जाऊंगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो नेक्स्ट कैंडल मैं कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, अगर ये तो जो वीक देख रहे हो ना, ये वीक, ये वीक, ये वीक, और उसके नीचे क्लोज दे दिया और इवन उसके आसपास, तो मैं डाउन के लिए लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो वहीं पर है बट देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था वहीं पर क्लोज दिया है तो मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। अब ये डाउन का ट्रेड लगाने का रीजन दो तरीका था। पहली बात तो कलर पैटर्न है, मार्केट में जब बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आते हैं और एक ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल फॉर श्योर रेड कैंडल बनती है, कलर पैटर्न है। ठीक है, दूसरी बात अगर साइकोलॉजी समझोगे तो मार्केट का ये लेवल जहां पर मैंने कहा था कि 2 वीक के नीचे और क्लोज होती, पहला वीक ये था, अगला वीक
ये था, ठीक है। और यहाँ पर आप लेवल डाल दोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, बिकॉज इस लेवल से टच करके रिजेक्शन मिला है, इस लेवल से रिजेक्शन फिलर और टच करके सेलर की एंट्री है। तो मुझे दिख गया कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस क्या है सेलर्स के आने के हैं, ठीक है। तो कैंडल जब बाहर आया तो ये ऊपर तो गया था, लेकिन लास्ट सेकंड में जाकर के इसी लेवल के नीचे आके क्लोज दे दिया, जो ये इंडिकेट करता कि मार्केट का नेक्स्ट कैंडल फॉर श्योर सेलर का बनना चाहिए। और सेलर बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो वन स्टेप मार्टेंगल यूज करेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में क्या होती है स्ट्रैटेजीज होती है और अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उसको यूज करके हम ट्रेड करते हैं, जरूरी नहीं कि हर ट्रेड हमारा विन करेगा, बट हम ट्राई करते कि हमारा हर ट्रेड विन कर जाए, ठीक है। तो ये भी हमारा शॉर्ट शॉट हो चुका है फॉर आवर नॉलेज। और गाइज देखो मैं ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ, तो जिनको गाइज मेरे से ट्रेडिंग सीखना है वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल सॉरी डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो जाकर के आप टेलीग्राम जाकर के आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे आपका कोर्स परचेज करना है। फिर मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आप मेरे थ्रू मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और फाइंड करते हैं कहीं पे अपॉर्चुनिटी, और जहां मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ भी गाइस मुझे दिख रहा है बट गारंटी नहीं है, ये कैंडल अगर इस लेवल तक आके क्लोज देती है करीबन इस लेवल तक, हाँ इस लेवल तक, तो हम यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड लगाने वाला हूँ, मैंने लगा दिया है बट गारंटी नहीं है, ठीक है। ये ट्रेड लगाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो एक कलर पैटर्न है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर एक रेड तीन रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल फॉर श्योर सेलर बनना चाहिए एज पर आवर स्ट्रेटजी। और मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ पर सेलर की एंट्री है, रिजेक्शन लेवल है, रिजेक्शन है और यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट हुआ है, ठीक है। तो मार्केट का ये लेवल बहुत ही तगड़ा लेवल था, उसको देख करके मैंने ट्रेड लिया था और इसीलिए इसको विन करना चाहिए। बट अगर ये हमारे अगेंस्ट में जाता है तो अपना माइंडसेट यूज करके इसको कवर करने का ट्राई करेंगे, मीन एमटीजी यूज करने का ट्राई करेंगे, बट जरूरी नहीं कि हमारा एमटीजी भी हर बार की तरह विन कर ही जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ही लेवल्स है, ठीक है। तो ये ईएमए की लाइन के पास भी पहुंच रहा है जहां से सेलर्स की एंट्री होती है, 20 ईएमए मैंने लगा रखा है, ठीक है। और मार्केट अभी फॉर श्योर एकदम सेलर्स के ही एरिया पर है, तो नेक्स्ट कैंडल मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ और ये हमारा लॉस हो जाता है, तो ठीक है। तो ये हमारा लॉस हो चुका है, तो हम यहाँ पे दो ट्रेड सेल डायरेक्शन के लगेंगे, बट कैंडल ने जंप अप लगा दिया है, देख सकते हो कैंडल ने क्या कर दिया, जंप अप लगा दिया। मीन जो यहाँ पे क्लोजिंग जब हो रहा था तो वहाँ सेलर का एरिया था, लेकिन जंप अप लगा दिया, थोड़ा सा रिस्की हो गया है बिकॉज ऊपर से भी रेजिस्टेंस है, हो सकता है सेलर आ जाए बट गारंटी नहीं है, ठीक है। देखो जिस पे शॉर्ट शॉर्ट रहता मैं कह देता हूँ, बट जिस ट्रेड पे मुझे खुद ही भरोसा नहीं है उस पर मैं उतना हाई फाई लेकर मतलब उतना मैं ओवर पावर लेकर नहीं चलता हूँ कि हाँ भाई ये विन करेगा ही, ठीक है। ये लॉस भी हो सकता है बिकॉज कैंडल ने जंप अप लगा दिया, जंप जो लगाया वो बायर्स के कैंडल के वीक पर है, तो बायर्स की एंट्री भी प्रॉब्ली हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था लेकिन कैंडल ने इस लेवल को ही स्किप कर दिया, ठीक है। बट हमारी स्ट्रेटेजी सही थी, एट द एंड हमें जाकर के इसने प्रॉफिट ही दे रहा है, फिलहाल तो एंड नहीं हुआ बट प्रॉफिट अभी दे देगा बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारे बैक टू बैक तीन विन हो चुके हैं, हम दो विन और निकालने का ट्राई करेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि गाइस देखो मैं बाइनरी में सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूं, जिनका लॉस जो लोग अपना लॉस करके बैठे हो या पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो, अपना लॉस कवरी करना चाहते हो, लॉस को कवर करना चाहते हो, या फिर आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता ट्रेड करने का वजह सिग्नल्स कॉपी करके पैसे बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो अपना अकाउंट है कोटेक्स का उसको डिलीट कर दो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके क्रिएट कर लो न्यू कोटेक्स अकाउंट, ठीक है। और न्यू कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें एटलीस्ट $50 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी आपको अपना कोटेक्स का आईडी मुझे सेंड करना है, वो आईडी आप मुझे भेज दोगे किस पे, टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स पर डे मिलेंगे इवनिंग के टाइम में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि आपको लाइफ टाइम का फ्री गाइडेंस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके अकाउंट में कभी कुछ दिक्कतें होती हैं जैसे अकाउंट फ्रीज होना, अकाउंट ब्लॉक होना, विड्रॉल नहीं होना, तो उन सब प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज जो बंदा भी एफिलिएशन रन करता है उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी के अकाउंट को अनब्लॉक करा पाए अगर वो उसके लिंक के थ्रू क्रिएटेड है, तो अगर इफ पॉसिबल है तो अनब्लॉक करवाना, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नेक्स्ट दो ट्रेड और बचे हुए उसको लेंगे फिर मार्केट से निकल जाएंगे। सो लेट्स वेट, हम यहाँ पर अब एक लास्ट ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है।
हम उस कैंडल के बाद ट्रेड करने का ट्राई करेंगे तो कैंडल में कितना वॉलेटिलिटी है, मीन न्यूज इंपैक्ट वाला मार्केट, हम ऐसे मार्केट में भी विन कर जाएंगे। कैसे करेंगे? अगर ये इतनी लंबी वीक के साथ कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल बाई करेंगे, ऊपर जाके क्लोज होती है तो सेल करेंगे। सिंपल है, ठीक है? तो वेट करके देख लेते हैं। तो इसके क्लोजिंग का टाइम आ चुका है, कैंडल एक न्यू हाई क्रिएट किया है, बहुत ही तगड़ा फॉल हो रहा है, ठीक है? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके क्लोजिंग अगर सनार पे हो रही है तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड की एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है? तो गाइस ये हमारा चौथा शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड है, तो वेट करके देखते हैं मार्केट को। फॉर श्योर उस कैंडल के बाद ऊपर साइड की रैली देनी चाहिए, बिकॉज मार्केट का मैंने एक छोटा सा हिस्सा देखा था, ज्यादा कुछ नहीं देखा था, कि मार्केट एक करेक्शन वेव में पहले ऊपर गया, सॉरी पहले ऊपर गया यहाँ से, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लिया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर यहाँ पुल बैक लेना चाहिए था, नहीं ले पाया, एक एरर दे दिया, तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पुल बैक आ जाएगा। तो इसको देख करके मैंने ट्रेड लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्विजर टॉप पैटर्न, ट्विजर बॉटम पैटर्न का की लेवल के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, तो मार्केट को यहाँ से भी बुलिश होना चाहिए। तो ये सब कंफर्मेशन देख के मैंने ट्रेड लिया था और ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो चलो गाइस देख लेते हैं क्या करना है। और गाइज अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ठीक है? ताकि आपको फर्दर जो न्यू वीडियो आएंगे उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ओके, तो ये तो हमारा शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, एक लास्ट ट्रेड लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे हम, ठीक है ना? तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी इस मिनट में ही मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। और ये शॉर्ट शॉर्ट था सेलर के लिए, एकदम शॉर्ट शॉर्ट था, मॉर्निंग सॉरी इवनिंग स्टार का लेवल सेलर सेलर, ये शॉर्ट शॉर्ट सेलर। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ऊपर मिल गई ना तो मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, बट अगर ये बहुत ही ज्यादा नीचे आता है तो मैं बाई कर लूंगा, ठीक है? तो गाइस मैंने यहाँ पे एक बाई की एंट्री लगा दी है, मार्केट मेरे लेवल के ऊपर ही क्लोज। अच्छा, ये 1.5 मिनट की ट्रेड लग गई है मार्केट में, ये बहुत ही 1.5 मिनट की ट्रेड लगी है, बट इस कैंडल को इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। देखना नेक्स्ट कैंडल की मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट इस कैंडल को जहां पे मैंने एंट्री लगाई ना उसके, क्योंकि मैंने जो लेवल लगा रखा नहीं है, लेवल ये क्या है, एक डोजी का, एक लॉन्ग लेग्स डोजी का टॉप हाई है, और टॉप हाई पे मार्केट बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ रिएक्शन है, यहाँ रिएक्शन है, हर जगह। एज टू एज क्लोजिंग है तो मार्केट ब्रेक कर दिया, नो डाउट, बट अगर वहाँ ऊपर क्लोजिंग होता तो रिएक्ट कर लेता, यहाँ रिएक्शन 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 हर जगह। तो मार्केट देखो उस लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ऊपर ही ऊपर ही हुआ। ये कैंडल का भी चांस है कि ग्रीन ही बने, बट गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल अभी तक नीचे वाले ईएमए की लाइन को टच नहीं किया, तो गारंटी नहीं दे सकता, बट ग्रीन बनने के चांसेस अभी भी हैं, ठीक है? तो ये इसी के साथ ये हमारा पांचवा शॉर्ट शॉर्ट है, अगर विन हो जाता है तो अच्छी बात है, लॉस होगा तो कवर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं गाइस क्या होता है। तो ये हमारा गाइस विन हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल। फॉर श्योर गाइस जिनको भी ट्रेडिंग सीखना होगा आ जाना टेलीग्राम पे, मुझसे कोर्स परचेज करके आप प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हो, लाइफ टाइम का सपोर्ट रहता है। एंड जिनको अपना पार्ट टाइम अर्निंग जनरेट करना है, थोड़ा बहुत पैसा अर्न करना है, अपना लॉस रिकवर करना है, तो आप मेरे सिग्नल्स को भी कॉपी करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है? सिग्नल को कैसे कॉपी करना है, तो आपको अपना पुराना अकाउंट डिलीट करना है, डिस्क्रिप्शन में से कोटेक्स अकाउंट के थ्रू, कोटेक्स लिंक के थ्रू कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना है, अपना कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड आउट कर देना, मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके बाद आपको पर डे 3 से 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल मिलेंगे, विद लाइफ टाइम का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड जो भी दिक्कतें होंगी वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो गाइस मिलते हैं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ।